नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन मिश्रा। पीके हिंदी ज्ञान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएक्स प्लेयर की कुछ ऐसी अमेजिंग हेड एंड सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं उन सेटिंग्स के बारे में। ये सेटिंग्स आपके बहुत ही काम आ सकती हैं, तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आप वीडियो के नीचे अंगूठे का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक घंटे का आइकन, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। इसके बाद जो सबसे पहली सेटिंग्स मैं बताने वाला हूं आपको दोस्तों, वो ये है कि आप लोग अपने जो है एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन से वीडियो तो हर रोज प्ले करते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि आप एमएक्स प्लेयर से जो है MP3 फाइल्स भी प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो ऊपर आपको राइट कॉर्नर में जो है ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो यहाँ पर 4 नंबर पे ऑडियो का, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑडियो प्लेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद बैक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे मोबाइल में जो ऑडियो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूजिक हैं, उन्हें मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं सभी ये म्यूजिक हैं, तो मैं इनमें से कोई एक प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इनकी आवाज़ भी जो है, इनका वॉल्यूम इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कम कर देता हूँ, तो इस तरह से आप जो है देखें, मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया है और ये अभी जो है प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने एमएक्स प्लेयर से जो है ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये जो है फीचर बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूं। दोस्तों, जो मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूं एमएक्स प्लेयर का, वो है कि अगर आप वीडियो का जो है ऑडियो उसे बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। मेरे पास यहाँ पर ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है वीडियो, मैं इसी में से एक कोई प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने टाइप किया है http://. तो यहाँ पर आपने देखा ये वीडियो जो है यहाँ पर जो है प्ले हो रहा है, इसमें ऑडियो है। तो इस ऑडियो को अगर हम बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं, तो इसे कैसे चलाना है आपको, तो करना क्या होगा, यहाँ पर जो इसका प्ले बटन है इसे आपको वॉश कर देना है इस तरह से। इसके बाद आपको प्ले बटन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस तरह से। जैसे ही यहाँ पर ये प्ले का बटन दिखाई दे, आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। अब चलिए मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा देता हूँ, और इसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। robot.txt, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो है इस तरह से रोबोट, तो दोस्तों देखा आपने, इसे हमने मिनिमाइज कर दिया और इसका जो बैकग्राउंड जो है ऑडियो ये प्ले हो रहा था। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसका अपने वीडियो का जो है ऑडियो बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अगर आप इसे लाइफ टाइम के लिए सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पर प्लेयर पर क्लिक कर लेना है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड प्ले, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जब भी आप किसी वीडियो को प्ले करेंगे, इसके बाद उसे मिनिमाइज कर देंगे, तो उसका जो बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। और दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको
इसका नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ वो है वीडियो पर डबल टैप टू पॉज और स्टार्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ इस तरह से। इसके बाद अगर इसे पॉज करना है तो हमें इस प्ले वाले बटन पर एक बार क्लिक करना होगा, तभी ये पॉज होगा या फिर प्ले होगा इस तरह से। पर अगर आप कहीं भी इस तरह से क्लिक करेंगे तो इसे पॉज या फिर जो है प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो डबल डॉट पर हमने क्लिक किया, इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको दोबारा से प्लेयर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थर्ड वाला जो है कंट्रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डबल टैप प्ले फ्यूज, तो इस पर फ्यूज वाले पर इस वाले पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है इस तरह से। और अब मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर और वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डबल टैप इस तरह से किया, ये वीडियो जो है ये पॉज हो गया। तो इस तरह से, और दोबारा से मैंने किया तो ये प्ले हो गया, देख सकते हैं इस तरह से कुछ। तो चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ वो है इसकी जो ये स्क्रीन है इसको कस्टमाइज करना। तो इसे कैसे कस्टमाइज करेंगे आप, जैसे मैं आपको प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर इसे कस्टमाइज करना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको प्लेयर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट इस तरह से रहता है यहाँ पर इस तरह से, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसा भी अगर बॉर्डर का कलर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है बॉर्डर का कलर इस तरह से सेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसे रेड कर देता हूँ, और यहाँ पर जो ये ब्लैक है तो मैं इसे यहाँ से रेड कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस बार जो ये है तो ये है यहाँ पर, अब जो भी चाहे यहाँ पर कलर इसका चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ इस तरह से, और फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब चलिए मैं दोबारा देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है ये कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ पर ये रेड हो गया। तो चलिए मैं इसे थोड़ा और मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा से इसे सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये जो रेड है इसे मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। इसके बाद मैं अब दोबारा से प्ले करके देख लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कलर, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी एक हिडन फीचर है MX Player का, इसे भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। अब दोस्तों मैं आपको जो नेक्स्ट फीचर इसका बताने वाला हूँ वो है अपने MX Player का जो है वॉल्यूम कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल का सपोर्ट है 15 तो आप उसे 30 कर सकते हैं, और अगर 30 है तो उसे 60 कर सकते हैं। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको ये मिलेगा डिकोडर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है सबसे फर्स्ट वाला HW+ डिकोडर लोकल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद बैक कर लेना है, यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। इसका वॉल्यूम अब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है, रिफ्रेश ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ तक ये मेरा मोबाइल जो है 15 तक ये जो है सपोर्ट करता है, तो इसे 30 करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर ये HW दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर HW डिकोडर इस वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब मैं आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ। फिर से हम वापस अपनी वेबसाइट में आ गए, यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा
आपने देखा इसका जो वॉल्यूम है वो 15 से बढ़ा करके 30 कर दिया है मैंने। इससे आप जो है अपने एमएक्स प्लेयर के वीडियो का जो है वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जो मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर का वो है स्क्रीन लॉक करना। तो एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लॉक करते हैं स्क्रीन को, इसके बाद अगर आप स्क्रीन पर कहीं भी इस तरह से टच करेंगे तो कोई इफेक्ट या मोशन नहीं दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ सबसे पहले। इसके बाद आपको करना क्या है, इसे मैं बैक कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर कोई मोशन या कुछ दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर प्लेयर पर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन सेकंड वाला मिलेगा स्क्रीन का, इस पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल का जो ऑप्शन है जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लॉक मोड, तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स इस पर आपको लगा देना है इसे इस तरह से और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद अब बैक करके मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और यहाँ से मैं इसे लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो है स्टिकर यहाँ पर दिखाई देंगे। अब अगर आपको इसे अनलॉक करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मोबाइल में जो 4 कॉर्नर होते हैं सभी में लगातार आपको एक एक बार क्लिक करना है इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आप इसे यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपको अपने जो है किसी वीडियो को हाइड करना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जैसे हमें ये वीडियो यहाँ से हाइड कर देना है तो इसके लिए करना क्या होगा, सिलेक्ट कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पर इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर जो सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इसे रिनेम करना होगा। इस वीडियो का नाम है, इससे पहले हमें यहाँ पर एक डॉट लगा देना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए जैसे हमने डॉट लगा करके ओके किया तो वीडियो जो है हाइड हो गया। तो अगर आप उसे फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा जो है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो इसे आपको यहाँ से जो है इनेबल कर देना है। इसके बाद चलिए मैं बैक करके देख लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को अगर छुपाना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, और अगर आपका आपको हाइड नहीं करना है तो उसे आप अनहाइड कर सकते हैं बहुत ही। और दोस्तों जो मैं आपको सबसे लास्ट सेटिंग बताने वाला हूँ वो बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, आप इस सेटिंग को कर लीजिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों आप अगर अपने एमएक्स प्लेयर के इस वाइट थीम्स से जो है बोर हो चुके हैं तो आप अगर कुछ अच्छी थीम्स लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, इसके बाद सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है थीम पर, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पर जो भी चाहे आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ 3rd वाली लगा लेता हूँ, इसके बाद बैक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर है यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है और बाकी जो है ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये थे कुछ एमएक्स प्लेयर के हिडन फीचर्स, तो आप अगर इन फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो जैसा हमने बताया उसी तरह से आप जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पीके हिंदी ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।